रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पटियारी गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वाहन और बस की जोरदार टक्कर हुई और पिकअप वाहन में सवार स्कूली बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घटना में एक दर्जन से अधिक बच्चों को चोट भी आई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने घायल बच्चों को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। दरअसल डभोरा की ओर से जवा जा रही बस और रामबाग से पनवार की तरफ स्कूली बच्चों से भरी पिकअप वाहन आपस में टकरा गई, जिससे पिकअप वाहन में सवार स्कूल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तकरीबन चार बच्चे गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि घनघोर कोहरे की वजह से तेज रफ्तार चल रहे वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई और हादसे में एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। वहीं चार गंभीर बच्चों के साथ ही एक दर्जन से अधिक बच्चों को चोट आई है। एक बच्चे की मौत हुई है और बाकी जो घायल बच्चे हैं उनको यहाँ जवा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पांच बच्चों को रेफर किया गया है, तो संजय गांधी अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहाँ भी पूरी व्यवस्था बना दी गई है ताकि पहुंचते ही उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए।